नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया है। टॉपिक ये है कि यूपी पीसीएस में जो अलग अलग पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि जो जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को क्रैक करके उन्हें कौन सी नौकरी मिलेगी। तो अलग अलग पद होते हैं, किसको क्या पद मिलेगा उसको देखेंगे। क्योंकि जो ये डॉक्यूमेंट यदि आप देख रहे हो ना, ये डॉक्यूमेंट बहुत काम का है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। बहुत लकी लोग होते हैं जिनको ये मिलता है। ये जब मैंने 2015 में इंटरव्यू दिया था वो उसका लेटर मिला हुआ है, तो वो सरकारी दस्तावेज है जो मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस तरह के पद होते हैं, किस तरह से आपको प्रायोरिटीज भरनी पड़ती है। क्योंकि सिर्फ रैंक आ जाने से आपका सिलेक्शन मतलब जिस नौकरी के लिए वो नहीं मिलेगी, आपको प्रायोरिटीज ही भरनी पड़ती हैं। वो सब मैं दिखाऊंगा और इसके लिए मैं एविडेंस लेकर आया हूं 2015 का, जो मैंने यूपीपीसीएस का मेंस क्रैक करके मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने दो बार इंटरव्यू दिया है, 2015 का 2016 का। यह है 2015 वाला है। ठीक है, इसमें देखो नाम भी लिखा हुआ है, 2015 वाला है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये कपिल कुमार जो है ये मेरा नाम है और 258184 जो है ये रोल नंबर था मेरा 2015 में, यूपीपीसीएस 2015 में था। ठीक है, ये लोक सेवा आयोग का। और ये जो सिग्नेचर देख रहे हैं, ये जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब आप मेंस क्रैक का इंटरव्यू पहुंचते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें आपको ऐसे दिखाया था। ये लेटर पहले आपको मिल जाता है, जब मेंस क्रैक करते हो तो आपको लेटर मिल जाता है। ये कॉल किया था कि आपका जो इंटरव्यू है, मेरा इंटरव्यू जो है 5 फरवरी 2016 का हुआ था। ठीक है, ये सर लेटर आपको आता है। तो इसमें आप जब अपना DAF फॉर्म भरते हो, यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो जिसमें आप बताते हो कि अपने बारे में बताते हो सब कुछ, तो उसमें एक चीज होती है, तो आप देख लीजिएगा, इसमें एक चीज होती है, वो आपको ये कुछ नौकरियां होती है इनके बारे में आप आते हैं कि हर साल। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, अब यहां पर दो तीन चीज देख रहे होंगे आप ये देख रहे होंगे, ये जो है ये नौकरियां हैं कि कौन कौन सी नौकरी होनी चाहिए। तो ये अलग अलग नौकरियां उस है। तो जो उस साल यानी कि जब आप एग्जाम जिस साल दोगे, जैसे कि मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में जो नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन में जो अलग अलग विभागों की जो वॉन्ट्स होगी वो आ जाता है। अब देखिए अमूमन लगभग 30 तक जो है डिपार्टमेंट हमारे यूपी में है, 30 डिपार्टमेंट हमारे पास है। ठीक है, और ये 30 डिपार्टमेंट, जरूरी नहीं कि हर साल हर डिपार्टमेंट की नौकरी आए, जरूरी नहीं है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो जो कमीशन के पास वो रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, तो उसके ऊपर से एग्जाम होता है। अब मान ये इस तरह जो लिखा है, इसमें आप डिप्टी कलेक्टर हो गया, या आपका DSP हो गया, SN कमिश्नर हो गया, ये खंड विकास अधिकारी हो गया, ये सब आ गया। नीचे आप देखिए सैलरी लिखा हुआ है, कितनी सैलरी का जो पे बैंड है वो आप देख रहे हो, उनको क्या क्या मिलता है। साथ में आप इधर देखोगे कि इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है, देखिए दो दो तरह से चीजें होती हैं। एक आपको होती है, एक होता है आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएट मतलब कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी वो ग्रेजुएशन वाली होगी। अब ऐसी नौकरियां जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन, उस वो कौन सी होती है, डीएसपी हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, या देखिए स्नातक है ना, सिर्फ स्नातक लिखा हुआ है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि अगर कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि बस बंदा जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए और एग्जाम्स क्रैक कर लेना चाहिए बस को, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी नौकरियां होती हैं जिसमें आपका ग्रेजुएशन तो होता ही है, प्लस आपका जो होता है वो मतलब कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। जैसे कि मान लो गन्ना संस्थान है, अब गन्ना संस्थान में उनको चाहिए MSc इन एग्रीकल्चर, ठीक है, स्पेशल रिक्वायरमेंट कौन सी होगी, स्पेशल रिक्वायरमेंट, तो आप उसके हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब आप लोग अपने DAF फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप किस किस पद के लिए एप्लीकेबल हो, किस किस पद के लिए एप्लीकेबल हो। आप जरूरी नहीं है कि आप सभी पदों के लिए एप्लीकेबल हो, आप स्पेशल वैकेंसीज का भी कंसिडर करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बताता हूं मैं आपको, तो मैंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, मैंने बीटेक किया हुआ है, तो मैं सिंपल ग्रेजुएट हूं। तो जब वैकेंसी DA फॉर्म आया तो मुझे भरना पड़ा, तो मैं सिर्फ देखा कि मैं उन्हीं नौकरियों को भर पाऊंगा जिसके जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला सिस्टम है, जो नॉर्मल ग्रेजुएट है उसको ही कंसिडर कर रहा है, तो मैं वही भर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो लगभग याद है 14-15 नौकरियां थी जिसपे मैं एप्लीकेबल था, कम से कम 5-7 नौकरियां ऐसी थी जिसको मैं नहीं भर पाया, क्योंकि मिनिमम जो स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है वो उसको मैं क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो आपने MSc किया होगा, तो हो सकता है कि ये 14 तो भरोगे एक आधा आप एक्स्ट्रा भर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो डिपेंड करता है कि आप किस
पोस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन आप कर पा रहे हो। उम्मीद करो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसलिए दो नौकरियां होती हैं, एक होती है सिंपल नौकरियां सामान्य स्नातक, और एक होता है स्नातक प्लस स्पेशल वैकेंसी। देखना पड़ता है कि हम किसके लिए एप्लीकेबल हैं, ये ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अब होता क्या है, पहले मैं आपको पद दिखाता हूं कौन कौन से पद होते हैं, और मैं दावे कर सकता हूं कि 80% पदों के बारे में तो आपको नाम कभी सुना ही नहीं होगा, आप नाम सुना ही नहीं होगा, दो चार के पता होता है एसडीएम डीएसपी, इससे ज्यादा आपको पता ही नहीं होता है। अब जैसे क्या है, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, डीएसपी पुलिस उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कि आपका आपका डीएसपी हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर कमर्शियल टैक्स जो होता है, ठीक है, खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, ठीक है, अच्छा फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सह जिला विद्यालय निरीक्षक उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद और समकक्षीय हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, मिनिमम स्नातक उपाधि यानी कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, नॉट ग्रेजुएशन पीजी है इसकी, पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी कि मैं इसके लिए अप्लीकेबल नहीं था तो मैंने ये एनए लिख दिया हुआ है क्योंकि मैंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब आ गया सहायक आयुक्त उद्योग, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है देख लीजिएगा, सहायक आयुक्त आयुक्त उद्योग एमएसएमई का जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी, ठीक है। फिर आ गया जिला प्रोविजन अधिकारी महिला एवं बाल विकास अनुभाग एक, वाणिज्य कर अधिकारी, अब एक ही डिपार्टमेंट की दो नौकरियां, ठीक है, कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर था ये, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर है ये, सीटीओ है उस, ठीक है, वो कमिश्नर था ये अधिकारी है, दोनों के पे बैंड में अलग अलग है। सहायक श्रमायुक्त, ठीक है, ना तहसीलदार, अब ये भी एक ही विभाग की दो नौकरियां रेवेन्यू की, एक है डीएस एसडीएम और एक है ना तहसीलदार। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा विकास शाखा कृषि अनुभाग, उप निबंधक कोषाधिकारी लेखाधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, ठीक है, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट, ठीक है, जिला गन्ना अधिकारी बीज उत्पादन अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी दो उद्यान अनुभाग, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्य अधिकारी, ठीक है, जिला विकलांग जन विकास अधिकारी, जिला कमांडेंट होमगार्ड, जिला पंचायत राज के अधिकारी पंचायती राज विभाग। अब ये देखिए आप कि ये उस साल कुछ 24 डिपार्टमेंटों का वांट आई थी, 24 पदों के लिए आई थी, वैसे मैंने कहा कि मोटा मोटा 30 तक होता है मेरी जानकारी के हिसाब से, हो सकता ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस साल 2015 में 24 विभागों ने अपने वांट कमीशन को दिए थे कि भैया इन पदों के लिए आप भर्ती कीजिए, उसमें कुछ सामान्य थी और कुछ स्पेशल वैकेंसी थी, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया, ये आप जब मेंस क्रैक करके जाओगे तो आपको ये चीजें मिलती हैं। अब करना क्या होता है आपको, आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, आप देखिए ना प्रायोरिटी, यहां पर देखिए नंबर वरीयता जी अधिमान्यता का क्रमांक यानी कि वरीयता, आपको वरीयता सूची में अपने इन पदों को रैंक करना पड़ता है, यानी कि अपने हिसाब से अपनी एक तो योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन प्लस अपना इंटरेस्ट के हिसाब से रैंक करना पड़ता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कि आपने पहली वरीयता किसको दी, फिर दूसरा किसको दी, तीसरी किसको दी। अब जैसे लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज मेरी जो पहली थी वो डिप्टी कलेक्टर थी, सबकी ही लगभग होती है, नंबर वन मैं रखा हुआ उसको कि भैया मैं सबसे पहले तो मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूं। अब मान लो लेट सपोज मेरी रैंक उस साल मान लो 2015 में, लेट सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उस साल तो नहीं हुआ मेरा, कि आप जो एसडीएम है, एसडीएम है वो पद होते हैं लगभग 50 पद होते हैं, 50 पद एसडीएम के आए होते, मेरी रैंक कितनी होती, मेरी रैंक लेट सपोज आती 51, पद कितने 50, मेरी रैंक कितनी 51, ठीक है। अब क्या होता है, एक जब आपके सिलेक्शन होता है तो आपकी लिस्ट बन जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कर रहे, मान लिया 50वें नंबर तक हो गया, ठीक है, यहां पर 51 है आपका है, ये 51 है। अब सबकी अपनी वरीयता, अब मान लो टॉप 50 लोगों ने सभी लोगों ने एसडीएम का पद जो है भरा था, टॉप 50 लोगों ने सभी लोगों ने पहले वरीयता पे एसडीएम, तो सभी को पहले शुरू के सभी 50 लोगों को एसडीएम मिल जाएगा, मिल गया तो सभी लोग एसडीएम बन गए। अब जब मेरी बारी आई तो एसडीएम के पद खत्म, क्योंकि मुझसे पहले जितने लोग थे वो तो उन्होंने वरीयता भरी थी, नंबर वन वरीयता भरी थी, वो सब एसडीएम बन गए। अब मेरी बारी आएगी तो नंबर वन चूंकि मैंने भरी थी एसडीएम की, तो देखा गया कि भैया नंबर वन मैंने तो वरीयता भरी एसडीएम की, तो क्या वैकेंसी खाली है, देखा कि वैकेंसी खाली नहीं है, देन क्या करेंगे, देन अब चेक करेंगे दूसरी वरीयता कौन सी है। तो दूसरी वरीयता हमारी ये थी, क्या है, ये थी मेरी असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, ठीक है, कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर मैंने सेकंड भरी थी, ठीक है, यहां पर देखिए दूसरे नंबर पर मैंने भरी है, ठीक है, तो अब मुझे ये पद मिल जाएगा। तो मेरी रैंक और मेरी प्रायोरिटीज
डिसाइड करती है कि मुझे किस प्रकार की नौकरी मिलेगी, कौन सी नौकरी मिलेगी, मेरे पद, मेरी रैंक और मेरी प्रायोरिटी डिसाइड करेगी कि मैं किस प्रकार की मुझे वो मिलेगा। एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए एक चीज और कि इसमें अपनी स्वेच्छा से आप करिएगा, इसमें अपनी स्वेच्छा से आप कर सकते हो जो आप बनना चाहते हो, ठीक है। सबके अपने अलग अलग पैरामीटर होते हैं। कुछ पुलिस में जाना चाहते हैं, जैसे मुझे पुलिस में जाने का शौक नहीं था तो मैंने नंबर 3 भरा हुआ इसको, ठीक है। तो अब अपने अपने कर सकते हैं। कुछ लोग पे स्केल देखते हैं कि सैलरी किसकी है, कुछ देखते हैं कि जो काम करना चाहते हैं वो उनको सूट करेगा कि नहीं करेगा। वो जैसे मान लीजिए कि कोई चाहता है टैक्स में जाना चाहता है, ठीक है, तो वो टैक्स को नंबर 1 भर देता है, वो कहता है मैं रेवेन्यू में जाना नहीं चाहता, तो नंबर 2 भर सकता है, 3 भर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मैंने भरा, पहला नंबर भरा डिप्टी कलेक्टर, नंबर 2 भरा असिस्टेंट कमिश्नर, नंबर 3 भरा मैंने डीएसपी, नंबर 4 मैंने बीडीओ भरा। अब ये देखिए एंड, इसके मतलब है कि मैं एप्लीकेबल नहीं हूं तो मुझे कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं भले ही मैंने मेंस करा करके पहुंचा हूं लेकिन मैं एनए, यानी कि मैं क्योंकि मैंने बीटेक किया हुआ है तो मुझे ये मेरे क्वालिफाई करता ही नहीं हूं, मैं पीजी तो हूं नहीं, तो इस पद के लिए मैं एप्लीकेबल नहीं हूंगा, ठीक है। अब देखिए और भी देख लीजिए, जैसे मैंने सहायक आयुक्त मैंने 13 नंबर भरा, ठीक है, फिर आप जिला पूर्ति अधिकारी मैंने 11 नंबर भरा, फिर देखिए ये जिला प्रोबेशन अधिकारी, इसमें जो चीज चाहिए थी वो मैं फुलफिल नहीं करता हूं तो एनए हो गया। फिर मैं 6 नंबर पे मैंने ये वाणिज्य का करा, सहायक क्षमायुक्त के लिए नहीं, विधि का मेरे पास कुछ नहीं था और शास्त्र का था, मैंने बीटेक किया हुआ था तो ये मेरा एनए हो गया, नहीं कर पाया। नैट सीधा 7 नंबर भर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये कुछ, फिर देखिए आप उत्तर प्रदेश कृषि समूह का कृषि वाला था तो इसमें किसी विश्वविद्यालय से कृषि में आपको ग्रेजुएट चाहिए था जो कि मैं नहीं था तो एनए हो गया, ठीक है। इस तरह से मैंने कई, आप देखोगे कि मैं एनए 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 आप दिख रहा होगा आपको, ये है कि मैं एप्लीकेबल नहीं हूं क्योंकि मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं सिंपल ग्रेजुएशन वाले चीजों पे ही मैं कर पाया हूं। तो मेरी जो रैंक बनेगी या मेरा सिलेक्शन होगा डिपेंड करेगा कि मैं कितने पोस्टों के लिए एप्लीकेबल हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको अपना जो भी एक्सपीरियंस है बताऊंगा आपको कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका देखिए ये चीजें जो है, हाँ, अधिमानता के लिए पदों का विवरण, तो ये क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और एक चीज बताऊं मैं आपको कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मतलब थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है क्या, मतलब कि अगर कॉल ये यहाँ पे दिया हुआ है इसके हिसाब से, मतलब जैसे कि उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन में आपका फर्स्ट ईयर मतलब एक कोई पेपर इकोनॉमिक्स होना चाहिए, अब आपका वो इकोनॉमिक्स से नहीं है या कुछ ऐसा कुछ थोड़ा हल्का डिफरेंस आ रहा है तो क्या किया जाए। तो मेरा हमेशा कहना है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी आदमी जो ये पैरामीटर्स दिए गए हैं इस पैरामीटर्स के खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है। जो ये पैरामीटर दिए गए हैं जितना बोला गया है उसके इर्द गिर्द रहेगा। हमारा शारीरिक मापदंड है, ठीक है, तो ये भी शारीरिक मापदंड, अगर आप 1 सेंटीमीटर भी कम हो रहे हो तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करोगे, आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज आपकी 1 सेंटीमीटर हाइट कम है और अगर आप रैंक 1B हो तो भी आप इस पद के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है, नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर कोई करता है तो फिर इलीगल हो जाता है तो मैटर चला कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज रहती है। अब एक पॉइंट और बताता हूं आपको जो जानना जरूरी है। अब लेट सपोज जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो एनओसी होती है, एनओसी आप एक काम कर रहे हो, सरकारी में काम कर रहे हो या प्राइवेट में काम कर रहे हो, अब आपको एनओसी नहीं मिल रही कहीं से, नहीं दी गई है, या कभी कभी रहता है कि यार मैं बता दूंगा कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो दिक्कत आ सकी मैं बाद में, तो जब आप इंटरव्यू में जब जाएंगे, जब इंटरव्यू तो बाद में होता है, पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और जो आरओ वगैरह होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, ये देखिए किया हुआ था वो आरओ ने किया हुआ था। अब मान लीजिए कोई आपके पास कोई चीज नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, एनओसी नहीं है या कास्ट सर्टिफिकेट उस समय मौजूद नहीं है या कोई डिग्री कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा जो है वो डॉक्यूमेंट कोई ऐसा जो है उस समय मौजूद नहीं है तो क्या किया जाए। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, कमीशन बहुत ही सपोर्टिव है इस मामले में, बहुत बहुत सपोर्टिव है। वो बोलेंगे कि ठीक है आप दिखाइए, आपने कहा कि भाई मेरे पास जो है एनओसी नहीं है, कहते कोई बात नहीं, एक काम करो आप पहले इंटरव्यू दे दो। आपने इंटरव्यू दे दिया, फिर आपका मान लो सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अब नहीं हुआ तो खतरा नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं ना, फिर तो सब जीरो, लेकिन मान लो सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन जब हो गया तो फिर वो कॉल करेगा भैया डॉक्यूमेंट दिखाओ, ठीक है, तो आप सिलेक्शन के बाद भी अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे करके दिखा सकते हो। अगर आपके एक आधा डॉक्यूमेंट कम पड़ रहे हैं तो आप बाद में दिखा सकते हो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग,
ठीक है, तो निश्चिंत होकर एग्जाम मतलब इंटरव्यू दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आधा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, कुछ डोमिसाइल का मैटर आ गया, कुछ आपका आपका कुछ एनओसी नहीं मिल पा रही है, तो बिंदास होकर पहले पेपर दीजिए, पहले सिलेक्शन करा लीजिए। सिलेक्शन कराने के बाद और ज्वाइनिंग तक जो दो चार महीने का समय मिलता है, आप उसमें भी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बस इतनी चीज होगी, जब आप फाइनल रिजल्ट देखोगे, यानी कि फाइनल का मतलब क्या होता है कि हमारे मेंस के और इंटरव्यू के नंबर जो है कंबाइन होकर मिलते हैं, मेंस और इंटरव्यू के नंबर जब मिलते हैं, तो जब आपका नाम आएगा, मतलब आपका एक डॉक्यूमेंट कम है, आपने एनओसी नहीं दी, तो आपके नाम के सामने, लेट्स सपोज आपका नाम मान लो राजेश है, ठीक है, तो आपके नाम के सामने पीओवी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पीओवी लिखा जाएगा। इससे घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो कोई डॉक्यूमेंट अभी वो मिला नहीं है, तो प्रोविजन हो गया, इसका मतलब कि आप बाद में दिखा सकते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये रहेगा कि अभी कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया हुआ है। तो निश्चिंत होकर आप आराम से बिल्कुल तैयारी कीजिए, बिना किसी समस्या के, किसी डर के। और मैं फिर कहूंगा कि कमीशन बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली होता क्या, एक छोटा किस्सा बताता हूं आपको मैं। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, जब आप, तो पहला सवाल ही जो अभी वहां पे कहते ना कि पर्ची मिलती है आपको, उसमें जैसे मुझे याद है कि 2015 में जब मैंने इंटरव्यू देने गया तो मुझे एक पर्ची मिली, पर्ची का नंबर था मेरा 112, ये पर्ची लिखी थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट बोर्ड है, पहला बोर्ड जो हमारा, असल में अलग अलग बोर्ड होते हैं ना, चार पांच बोर्ड होते हैं, तो पहला जो बोर्ड है वो था मेरा, पहला बोर्ड याद है फजल अली साहब थे, उनका वो था, ठीक है। और ये 12 नंबर जो है ये नंबर था मेरा, तो मैं 12वें नंबर पे वेटिंग चल रही थी। अब ये डिपेंड करता है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन पहले हो जाता है उसको नंबर पहले पर्ची मिल जाती है, वो कोई सीक्वेंस नहीं, कोई रोल नंबर वाइज नहीं है। मुझसे बाद के रोल नंबर वाले लोग, जब मैंने ये भरा था, मेरा मुझसे कुछ गलती हो गई थी, तो दो चार लोग मुझसे आगे निकल गए थे, तो उन्होंने पहले दे दिया था, उनका नंबर 10वां 11वां था, मेरा 12वां था, ठीक है। तो ये पर्ची अब देते हो, अब पर्ची अब देते हो तो जैसे अब आपके नंबर आया, तो पहले जो चेयरमैन होगा, चार पांच लोग होते हैं ना बीच में, वो चेयरमैन बैठा होता है, तो वो पैसे पर्ची मांगेगा, तो आप पर्ची दे दोगे उनको। अब अपने मतलब अंदर आ गए, आने के बाद तो चेयरमैन बोलेंगे, बिना अपना नाम बताए और आप कहां से आए हो, आपकी मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, और आपने टॉप 3 कौन से पदों को भरा है, टॉप 3 कौन से पदों को भरा है, किसको दिया है, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, उस समय मुझसे पूछा गया था। तो मैंने नाम तो बताना नहीं होता है, कहां से बताना नहीं होता है, तो मैंने कहा भाई सर मैंने फला जगह से, मैंने NIT जलंधर से मैंने बीटेक किया है, ठीक है, और मेरी जो 3 पद हैं वो ये रहे हैं, और मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट ये रहा है, ठीक है, मैंने बता दिया। उसके बाद जो आप रिप्लाई करते हो, उस रिप्लाई के बाद फिर यहां से बात शुरू होती है। अब वो कुछ पकड़ लेते हैं, चाहे वो पहले जैसे 2015 में जब मैंने 11 इंटरव्यू दिया था, तो पहला सवाल था कि भाई औरतों के 9 सिंगार होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। मैंने ये बोल दिया था कि मैं अपने भाई की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप में मैं काम करता हूँ, और ये बात अलग थी कि मैं उसमें काम नहीं करता था, मैं एज अ स्टूडेंट था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ये बोल दूंगा कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, तो जो 3-4-5 साल का जो गैप है मैं दिखा नहीं पाऊंगा। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग होती है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि, तो पहला सवाल था कि भाई आप 9 सिंगार बताओ, तो मैं तो पहले ही बाउंस हो गया, फिर मैंने अपने रिलैक्स किया, तब मैंने कुछ आंसर देना शुरू किया। अब जो मैं रिप्लाई दे रहा था, उस रिप्लाई के बिहाफ पे जो बातें निकल के आ रही थी, फिर वो क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन चलते रहते हैं, और फिर वो बातों से फिर सवाल पूछते रहते हैं, और आप बताते रहते हो, जो आपको आता बता दो, जो नहीं आता आप सॉरी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब पूरा तरीका रहता है, मजा बहुत आता है, पढ़ाई कीजिए, बहुत जम के पढ़ाई कीजिए, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप जम के पढ़ाई करेंगे, यकीन मानिए कि सिविल सर्विसेज में अगर आदमी 1-2 साल पढ़ाई कर लेता है, कुछ ना कुछ उसे अच्छा मिलेगा। बात सेलेक्ट हो जाने की नहीं है, वो तो अलग है, जैसे मैं खुद 2-2 बार इंटरव्यू दिया, नहीं सिलेक्शन हुआ, लेकिन आज मैं जो भी हूं, मैं इसी पढ़ाई के भरोसे हूं, उसके बल पे हूं मैं। आप भी पढ़ाई करो, मैं हमेशा बात एक बोलता हूं कि पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग जो ईमानदारी से पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो कभी बेरोजगार नहीं रहते, कुछ ना कुछ जीवन में उनको मिल जाता है, भले पीसीएस ना बन पाए, पर कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस कर लेंगे, कोचिंग चला लेंगे, कुछ ना कुछ अपना जीवन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अफसोस है जब हमें कॉम्पिटिशन देते हैं, 2 बार इंटरव्यू दिया कि हाँ भाई हो जाता है शायद, लेकिन आज मुझे कोई ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, कोई
कमी महसूस नहीं होती है। मुझे लगता है कि मैंने अपना फुल 100% दिया था और ये ऊपर वाले की थी कि उसने वहां तक मुझे ले गया। अब वो नहीं चाहता था, ठीक है, मुझे वो चाहता था कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकूं और मैं बना, और ईश्वर ने मुझे यहां पर भी बहुत सपोर्ट किया और बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं मेरे माध्यम से अपने सपने साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ईमानदारी, अपने काम में ईमानदारी रखिए और यकीन मानिए ईश्वर आपको जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर सोचता है और जरूर कुछ ना कुछ अच्छा देगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।